हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी आजकल प्रोजेक्ट फाइल बनाने में, तो कमेंट्स आए बच्चों की कि सर प्रोजेक्ट फाइल बता दो हमें कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है। तो इसी पे है मैं आपके लिए अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल लेके आ रहा हूँ, कॉमर्स की जो प्रोजेक्ट फाइल्स है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस की प्रोजेक्ट फाइल है, जरा देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। तो बिजनेस स्टडीज़ है ये प्रोजेक्ट, ठीक है, और यह है क्लास ट्वेल्थ का। ये करण सिंह नाम का एक मेरा स्टूडेंट है, उसी ने बना रखी है। तो ये ट्वेल्थ क्लास की प्रोजेक्ट फाइल है और ये लेटेस्ट इसी साल की प्रोजेक्ट फाइल है, पुरानी नहीं है। कुछ हमने पुराने भी डाले थे कि आपको हेल्प मिल जाए। ये तो बड़ी बनाई प्रोजेक्ट फाइल, आप देख के अपने आप ही इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट आपको गाइडेंस के लिए नहीं कि आप पूरा छाप दो, भाई थोड़ा तो मेहनत करो, खुद करोगे तो क्रिएटिव थोड़ा समझ आएगा। बट हाँ, कर सकते हो, ऐसा नहीं लिख लो, बट खुद से करना ज़्यादा बेटर रहता है। बस एक आपको गाइडेंस के लिए वीडियो बना दी गई कि बच्चों को ना ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, प्रोजेक्ट में लगे, कैसे बनेगा, क्या होगा, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो आपका है ये टाइम पढ़ाई के लिए, प्रोजेक्ट तो आराम से बन जाता है, प्रोजेक्ट बनाओ, गाइडेंस के लिए हम आपके लिए बैठे हैं। तो जरा मैं आपको दिखा दूं प्रोजेक्ट फाइल। तो ये बिजनेस प्रोजेक्ट है, तो पहला पे जो एक्नॉलेजमेंट डालता है बच्चा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट डाल दी, ये इसमें किस तरीके से डिजाइन करिए भी आप देख सकते हो। फिर ये इंडेक्स है, तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की फाइल है। कुछ मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की भी डाल रखी, ये फाइल है मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो। तो इसमें सारी चीजें हैं कि क्या क्या इसके अंदर इसने बताया बच्चे ने, अरे देखो नीचे चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ट्रांजेक्शन्स, वेयर हाउस क्या है, मतलब प्रमोशन क्या है, सारी बातें बताई गई है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट, पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात की गई। अब देखो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके क्या क्या एलिमेंट है, चार पी आप जानते हो ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये इन चारों के बारे में बताया गया कि क्या है, क्योंकि मार्केटिंग के ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फिर प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर प्राइस के बारे में बताया, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन, फिर अबाउट द रूट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस बच्चे ने एक फाइल बनाई है, देखो जरा आप ध्यान से देख लो। तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो, इसका प्रोडक्ट जो है वो मदर डेयरी के ऊपर है, जो क्या क्या प्रोडक्ट बताया, आइसक्रीम प्रोडक्ट बनाता है, क्वालिटी वॉल बनाता है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी है, ठीक है। देखो ये देखो ध्यान से देखो, देखो इधर ना इसने इधर फोटो भी लगा रखी है, अगर मैं इधर की साइड करूँ तो देखो इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी फोटो भी लगा रखी है। देखो इधर देखो आइसक्रीम की फोटो, ये प्रोडक्ट इस तरीके से, देखो यहाँ देखो फोटो लगा रखी ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट का करना क्या, आपको टेंशन नहीं लेनी, सीधे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना, गो थ्रू कर लेना और अपना प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से बना लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि वो भी अपने प्रोजेक्ट की टेंशन से हो जाए खत्म और फटाफट से प्रोजेक्ट बनाए और बैक टू द स्टडी, वापस आ जाए पढ़ाई के ऊपर। और पढ़ाई के हमारे बहुत सारे लेक्चर डलते आ रहे हैं, पी वाई क्यूज आ गई है ट्वेल्थ की, उसके अलावा बिजनेस स्टडीज के हमने अभी नया लॉन्च किया, बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर वाइज नोट्स डाल ले, तो आप उन सबको भी देख सकते हो, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो वीडियो को जरूर सेव कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक बार जाके क्या कहते हैं वीडियो सेक्शन में जाके देख लो आपके काम का, कि आपको बीएसटी के नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, अकाउंट्स के पीवाईक्यूज चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, वो सब कुछ यहाँ इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा एक रूप के अंदर सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार जाके गो थ्रू कर लो चैनल, क्या क्या आपके काम का वो सब डाउनलोड कर लो और पढ़ना चालू कर दो और पढ़ो अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम गाइस।